بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة زلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم سوچ بدل کے بالکل مشین چیک کرو کاری صاحب بلا میں تھوڑا اتر کے چلا لی یار انہوں بلاؤ انہوں کا اتھے آؤ گے بیکھو کی معاملہ ہے اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه الكريم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لپی کاٹ کے دوبارہ لا کے چیک کر پہلے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجبر ما تجرع عبد جرعة أفضل عند الله عز وجل من جرعتی غیظ یقدمها ابتغاء وجه اللہ تعالی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات پاک واسطے بے شمار ان گنت لا تعداد بے حد و حساب ریت دے ذرات نالوں زیادہ پانی شبنم دے قطرات نالوں زیادہ درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کون و مکان سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اطہر اعلی اور بالا ذات واسطے لکھاں کروڑا رحمتہ نازل ہون صحابہ کرام تابعین اعظام اولیاء کرام تے بخشش اور رحمت دی دعا اللہ پاک دے تمام گناہگار خطاکار بندے آواز تے سامین و حضرات 25 نومبر 2022 دا خطبہ جمعۃ المبارک جیدے اندر میں تواڈے سامنے عنوان عرض کرنا چاہنا در گزر میرے حضور دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزشتہ کئی خطبات جمعہ تو آپ علیہ الصلات والسلام دی سیرت و صورت کردار اخلاق دے حوالے نال تو صحباب آپ علیہ الصلات والسلام دی سیرت سماعت فرما رہے ہو آج دے خطبہ جمعہ دے اندر آپ علیہ الصلات والسلام دی تحمل مزاجی بردباری
दरगुजर करना, मुआफ कर देना, ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सेवा और वतीरा है। रब्बे कायनात ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू उम्मत दे वास्ते रऊफुर रहीम बनाया, रहमत लिल आलमीन बनाया, आइडियल बनाया, उस्वाए हसना बनाया, बेशमार कमालात अल्लाह रब रहमान ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे औसाफ अंदर जमा फरमाए। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खालिक़े कायनात ने तहम्मल, बुर्दबारी, नरम मिजाज, अच्छा अखलाक अता फरमाया और एदे नाल नाल अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू दर गुजर करने वाला, मुआफ करने वाला भी वसफ अता फरमाया। सूरह आराफ नौवें पारे दे अंदरों एक आयत मुबारका जो मैं तिलावत कीती है, इस आयत मुबारका मुतहरा नूं हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम वही दे जरिए लैके आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आए। आप दे सीना अतहर ते अल्लाह रब रहमान दा ए पैगाम नाजल फरमाया, खुजिल अफवा व अमुर बिल उर्फी व आरिद अनिल जाहिलीन, क्या महबूब छड़ परा ऐसे लोगां दे गलत रवैये नू, जुलम नू, ज़ियाती नू माफ कर दे और अच्छे तरीके नाल इन्हां लोगां नू समझा दे, वारिद अनिल जाहिलीन या फिर इन्हां तो जाहिलां तो अलैदगी इख्तियार कर, जिवें पंजाबी अंदर असीं आने ना छड कर यार जांदी कर। अल्लाह पाक ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू इतने प्यार और मुहब्बत दे नाल दुश्मना ते वैरिया ते मुखालफा ते रहम करन दा हुक्म अता फरमाया और मुआफ करन दा हुक्म दिता है। ये पैगाम आया जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने ऐ जिब्रील एक की मतलब एदा कि दर गुजर करा और इन्हां जहलां तो एराज करा। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, महबूब सोनिया काल अल्लाह तआला तुहाडा रब फरमा रहा है, अमरा का अन ताफू अमन जुलमा का, सुनिया तुहाडा रब तुहानू कह रहा है कि छड दियो, माफ कर दियो ऐसे बंदे नू जिन्हें तुहाडे ते जुलम कर लिया। वातोती मन हरामा का, तुसी उस बंदे नू दियो ओदे नाल भलाई करो, एहसान करो जिन्हें अपने आप नू तुहाडे तो रोक लिया। यानी जेड़ा बंदा तुहाडे नाल वर्त वर्ता नहीं करता, तुसी ओदे नाल वर्त वर्ता करो। वतुसिल मन खत कता का, और जेड़ा बंदा तुहाडे नाल ताल्लक खत्म करदा है, तुसी ओदे नाल ताल्लक बनाओ, ओदे नाल प्यार मुहब्बत करो।
ये अल्लाह अहकाम उल हाकिमीन दी तरफों जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलात वस्सलाम ने दर गुजर समझाया। आमिना दिलाल पैकरे हुस्नो जमाल साहिबे शर्फो कमाल और पूरी कायनात दे सरदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह पाक दी तरफों आर्डर मिले है, पैगाम मिले है और अल्लाह अहकामुल हाकिमीन ने कई मुकामात ते दर गुजरदा अपने कुरान अंदर हुक्म फरमाया है, कुरान अंदर तस्करा फरमाया है, मेरे और तुआड़े पीरों मुर्शद इमामे कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने जिंदगी दे अंदर अपने वैरियां नूं माफ कीता है, अपने सजना दे नाल जिथे मुहब्बतां कीतियां ने, वफा करन वालियां दे नाल जिथे वफावां कीतियां ने, उथे आका अली सलातु वसलाम ने अपने वैरियां दे नाल अपने दुश्मनां दे नाल दर गुजर भी फरमाया है। उन्हां दियां हरकतां तों उन्हां दियां चालां नूं वेख के आप अली सलातु वसलाम ने कैसा दर गुजर फरमाया है, किवें उन्नत दे वास्ते आइडियल ते नमूना आकाल ही सलातु वसलाम बन गए। अल्लाह अकबर अल्लाह आया ना एक आन वाला मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल एक आन वाला बंदा आया। ए आके ना मेरे पैगंबर अलैहि सलातु वसलाम इंज करके खड़े ने या बैठे ने अपने दोस्त यारा दे अंदर बंदा पिछों दी आया पिछों दी आके आंदे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह ऐ सुनिया नबिया तुहाडे ते अल्लाह दिया सलामतियां होन। अशहादु अल्लाह इलाह इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू व अशहादु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। आया जल्दी दे नाल आके सलाम कीता है, आया भी मेरे पैगंबर दे पिछुए कई लोग आन वाले आंदे ने आके सामने आके खड़े हो जांदे ने सामने हो आके सलाम करदे ने। ए बंदा आया है इन्हें अकाल ही सलातु असलाम नूं कंड पिछू आके सलाम कीता है ते जल्दी नाल बगैर कुछ दसे बगैर कुछ सोचे समझे गल करन दे बगैर इन्हें आके ते कलमा पढ़ना शुरू कर देता है। मेरे आका अली सलाम दा कलमा पढ़िया जगां दे पीर अली सलातु असलाम ने इंज नजरां उठा के वेखिया नाल ए बंदा गुलाम बंदा है। आके ते सामने आया आंदा ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तुहाडा कलमा पढ़ चुके हाँ, मैं दिलो ईमान नूं कलमा पढ़िया सुनिया मैनू जान दे मैं कौन आम ये खुद ही अपना तारफ करवा रहा है। आंदा जी अगर तुसी मैनू माफ कर दियो अगर तुसी मेरे को बदले ना लवो मैं तुहानू दस देना वा मैं कौन आ। आका फरमांदे ने कलमा पढ़न वाले आ ओए मेरे कमर पिछों सलाम करके आन वाले आ दस तू है कौन है। आंदा जी मैं ओ बदनसीब बंदा मैं ओ किस्मत दा मारिया होया बंदा जिन्हें तुहाडे चाचा हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो नूं जंगे ओहद अंदर शहीद कीता। मेरे आका अलैहि सलातु वसलाम ने इंज करके फिर दोबारा एदे वल नजर उठाया आप अलैहि सलाम दा चेहरा मुबारक एदे वल जिस वेले उठिया ना आंदा सोनिया बड़िया खतावां होईयां ने बड़िया गलतियां हो गईयां ने मैं अनजाने अंदर जहलीयत
अंदर तुहाडे नाल मैं जंगा करदा रहा। मैं वहशी इब्ने हरबा, मैं अबू सुफियान दा गुलाम, मैं हिंदा दे कहन ते तुहाडे चाचा हमजा रजी अल्लाह तआला अनहो नु शहीद कीता है। आप अलैहि सलातु वसलाम उन्ना जगह ते बैठ गए, जान दियो ना हमदा रजी अल्लाह तआला अनहो ने शुरू इस्लाम दे अंदर आप अलैहि सलाम दे नाल बड़िया वफावां कीतियां ने। जदों कलमा पढ़ लिया ते इंज करके तलवार तान के मेरे मुहम्मद दे सर दा साया बने हैं और ललकारिया अबू जाहल नू ललकारिया। दीगर मेरे पैगंबर दे जिहड़े दुश्मन ने इन्हां सारिया नू ललकार ललकार के हजरत हमजा इब्ने अब्दुल मुतलिब रजी अल्लाह तआला अन्हो आंदे ने अज तो बाद केड़ा है जेड़ा मेरे भतीजे मुहम्मद की तरफ नजर उठाएगा या कोई ऐसी वैसी बात करेगा फिर मैं है नहीं या अगला है नहीं। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हो इन्हां दा कातल मेरे आका दे सामने आया है। आप अलैहि सलातु वसलाम नूं आंदा सुनिया जुर्म ते बहुत बड़ा कर लिया है, गलती ते बहुत बड़ी हो गई है, आका जी हुण मेरे वास्ते आर्डर की है। आप इस्लाम फरमांदे ने ओए वहशी वहशी तू इस्लाम कबूल कर ले है, तू अमल ही ऐसा कर ले है जिदी वजह तो अल्लाह ने तेरे पहले गुनाहों नु माफ कर दिता है, अल्लाह ने तेरे जहलियत दे गुनाहों नु माफ फरमा दिता है। आला जरा बैठ, मेरे आका भी बैठ गए। आप सलातु वसलाम ने इनू सामने ने बिठा लिया। आका फरमांदे ने वहशी जरा आज मेरे सामने ओ वारदात ते बयान करना, तू मेरे चाचा हमजा नू इतने जलीलुल कदर अल्लाह दे शेर नू और इतने बड़े जवान कड़ियल जवान ते बड़े दलेर मुजाहिद नू और जेड़ा आपने पग दे अंदर सुदर मुरग दा पर बन के ते लोगां नू गैरां नू वैरियां नू इस्लाम दे दुश्मनां नू ललकारिया करदा सी, इहदा मतलब ए हो या करदा सी हजरत हमजा अपनी पग दे इंज फ्रेंड दे सुतर मुरग दा पर इंज गड़ के पग बन के सर ते रख के मैदान अंदर उतर दे। ए दा दलेरी वाला निशान इनू निशाने हैदर जिनू तुसी कहंदे हो ना। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अनहु उन्होंने भी अपना पग दे अंदर ही इस सुतर मुरग दे पर नू अपना निशाने हैदर बनाया है, जुर्रत दा निशान बनाया है, दलेरियां दा निशान बनाया है। आका फरमांदे ने यार वाशी दस नजरा किवें तू मेरे चाचा ते वार कीता, किवें तू मेरे चाचा नू शहीद कीता। वाशी ने सारा ही मामला सुना दिता, अलफ तो लैके ये तक सारियां कहानियां सुना दितियां ने मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद मुहब्बत नाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाशी बयान करदा जा रहा है ते आका अलैहि सलाम सुनदे जा रहे ने, अखां दे अंदरों नीर बहांदे जा रहे ने। अपने चाचा दी बेदर्द और मजलूमाना शहादत दा तज़करा सुन रहे ने, अखां दे अंदरों आंसू बहाई जा रहे ने। वाशी ने जिस वेले अपनी दास्तान मकतल पैगंबर अलैहि सलाम दे चाचा दा ओ मकतल दा वाकया शहादत दा वाकया बयान कीता, आका अलैहि सलातु वसलाम ने अपने आंसुआं नू साफ कीता। आका फरमांदे ने ओए वाशिया जा अज मैं तेनू माफ कर दिता है, मैं अज तेनू अपने चाचा दा बदला माफ कीता, चाचा दा कतल भी माफ कर दिता है। ओए वाशी एक मेरी मैं मुहम्मद दी गल याद रख लै, जिंदगी पर मुहम्मद दे सामने ना आवी, मेरे सामने आएगा ते मेरे चचा दा खून मेरे सामने आ जाएगा, मेरे दिल अंदर उबाले उठनगे, मेरा खून जोश मारेगा। आज मैं तेनू मुआफ कर दिता है, किते ऐसा ना होए तू मेरे सामने आ जाए ते मैं अपने चचा दे खून दे बदले वास्ते अपने आप ते कंट्रोल ना कर सका। आसमान तो रब्बुल आलमीन
ने ऐलान फरमाया। अल्लाह फरमाते ने वल काज़िमीन अल गईज़, वल काज़िमीन अल गईज़ वल आफीन अनिन्नास, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। ऐलान हो गया सुनिया, गुस्सा पी जान वाले ओ मेरे बंदे ने, गुस्सा पी जान वाले मुआफ कर देने वाले मोमना दी अलामता ने, मोमना नु अल्लाह रब रहमान ने ओ साफ अता कर दिते ने। ओ गुस्सा पी जांदे ने अपने वैरियां नु माफ कर देंदे ने, ते ऐसे जिहड़े बंदे ने वल्लाह युहिब्बुल मुहसिनी। मैं ऐसे बंदियां नू अपना दोस्त बनाया, मैं माफिया देन वालियां नू पसंद कीता, एहसान करन वालियां नू पसंद कीता, मैं इन्हां दर गुजर करन वालियां नू अपना मोहसन बनाया, अपना प्यारा बनाया। अल्लाह फरमांदे ने खुज़िल अफ़वा व आरिद अनिल, खुज़िल अफ़वा व अमुर बिल उर्फी व आरिज अनिल जाहिलीन। सोनिया इन्हां नूं माफ कर दे ते जहलां दे, जहलाना रवैये तो एराज कर लै, इन्हां तो अलहदगी इख्तियार कर लै। ये आंदे ने ना कि जाहिल दे नाल जाहिल नहीं बनीदा, दो बंदे लड़ घोल पैंदे ने, बोल पलारा हो जांदा है, कोलों समझाण वाला एक बंदा आंदा छड यार वो तो है ही घटिया किस्म दा, छड यार तू एवें इन्ना गुस्सा कीती जांदा है, वो तो बंदा पागल है, वो तो जाहिल है, वो तो अनपढ़ है, तू तो पढ़िया लिखिया बंदा है, तेरा तो ओदा की फिर मुकाबला, तेरा ओदा की मवाजन है। इस वास्ते छड़ दे, छड़ पर अंदर गुजर कर। अल्लाह पाक ने भी कुरान अंदर हुक्म दे दिता है वारिस अनिल जाहिली। सोनियो सोनियो कायनात अंदर जिंदगी बसर करने वालों, एराज करो जालां दे इन्ना चंगियां मंदियां गल्लां तो। अल्लाहु अकबर अल्लाह, जगां दे पीर अलैहिस सलातु वसलाम, दर गुजर करने वाले, दर गुजर मेरे हुजूर दा, दर गुजर मेरे महबूब दा, दर गुजर मेरे आका अलैहिस सलातु वसलाम दा। आप अलैहिस सलातु वसलाम ने ऐसा दर गुजर फरमाया और अपने सहाबा नू उम्मत नू भी इस बात दा हुक्म दे दिता। आया ना एक आउन वाला मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल, आके आंदा है सोनिया मैं कलमा पढ़िया, ते सोनिया नबिया मैं तुहाडा सहाबिया, आका जी अज टाइम मिल गया, अज होर कोई सहाबी भी इत्थे मौजूद नहीं, या जेड़े बैठे ने उन्होंने अपनी अपनी गुफ्तगू नू मुकम्मल कर लिया, अपनी बात नू मुकम्मल कर लिया, ते सोनिया नबिया जरा कोई मैनू वसीयत दे फरमाओ, आका जी कोई मैनू नसीहत कर दियो जिदे दे मैं अमल करा। अल्लाहु अकबर अल्लाह। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कोनैन दे वाली ने फरमाया, वाली पतहा ने फरमाया, खैरुल वरा बदरु दुजा और शर्फे कायनात दे इमाम ने फरमाया। आका फरमांदे ने ओए मैं तेनू नसीहत करा, ला तगज़ब ला तगज़ब, ओए नसीहत मेरी ते अमल कर ले, अपनी जिंदगी दे अंदर किते भी गुस्सा ना कर बनी। आंदा सोनिया ठीक है मैं इस बात नू पसंद कर लिया, कबूल कर लिया, आका जी कोई होर भी नसीहत कर दियो। आका फरमांदे ने ला तगज़ब, ओए सोनिया गुस्सा छड़ दे, गुस्सा ना करया कर। आंदा सोनिया ते मैं हुक्म मान लिया, होर कोई वसीयत फरमा दियो, होर कोई नसीहत कर दियो। आका फरमांदे ने ला तगज़ब ला तगज़ब ला तगज़ब। इस बंदे ने तीन बड़ा सवाल कीता नसीहत दा, मेरे आका फरमांदे ने गुस्सा ना करया कर, ते जिदी जिंदगी दे विच जिदे विचो गुस्सा खत्म हो गया, जिन्हें गुस्से नू खत्म कर दिता, उस बंदे दी अजमत दे क्या कहने, उस बंदे दे सारे दुनिया दे मामला दुरुस्त हो गए। वेखते नहीं
ਕਿਉਂ ਆ ਜੇਲਾ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਦੂਸਰਾ ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਲੈਣਾ ਲੋ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕਬਰਸਤਾਨ ਭਰੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਥਾਰੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ ਲੱਗਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਔਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਲੈਣਾ ਅਗਲਾ ਆਂਦਾ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਦੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਬੜਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਆਗਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲਾ ਤਗਜ਼ਬ ਲਾ ਤਗਜ਼ਬ ਲਾ ਤਗਜ਼ਬ ਓਏ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਗੋ ਮੇਰੇ ਪਰਵਾਨੇ ਹੋ ਦੀਵਾਨੇ ਹੋ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਔਰ ਇਮਾਮ ਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਇਮਾਮ ਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਇਮਾਮ ਉਲ ਅੰਬੀਆ ਖਤੀਬ ਉਲ ਅੰਬੀਆ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਅਹਬਾਬ ਬੈਠੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਕਾ ਮੁਹੱਬਤ ਭਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਛੇੜ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਦਲੇਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਉਹਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਕਿਆ ਕਮਾਲਾਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੇਰੀਆਂ ਬਹਾਦਰੀਆਂ ਔਰ ਜੁਰਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਹ ਸ਼ਰਮਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜਨ ਲੱਗਿਆ ਬਖੀਲੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੇਈਮਾਨ ਤੇ ਲਾਨਤੀ ਏ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਮੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਦਰੂਦ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਓਏ ਯਾਰੋ ਤੇ ਸੱਜਣੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲਈਸ ਸ਼ਦੀਦੁ ਬਿਸੁਰਾਤੀ ਓਏ ਸੋਹਣਿਓ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦਲੇਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਲਈਸ ਸ਼ਦੀਦ ਬਿਸੁਰਾਤੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦਲੇਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾ ਲੈਂਦਾ ਆਕਾ ਜੀ ਫਿਰ ਦਲੇਰ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਨਮ ਸ਼ਦੀਦ ਲਜ਼ੀ ਯਮਲਿਕੁ ਨਫਸਹੁ ਇਨਮ ਸ਼ਦੀਦ ਲਜ਼ੀ ਔਰ ਬਿਲਾਲ ਟੋਨ ਦੇ ਵਾਸੀਓ ਗਿੱਦੋ ਨਵਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਖੁਤਬਾ ਜੁਮਾ ਸਮਾਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲੋ ਇਹ ਖੁਤਬਾ ਜੁਮਾ ਦਾ ਅੱਜ ਦਰਸ ਜੇ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਜੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਲੇਰ ਏ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਏ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਏ ਕਿੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਵਾਨੀਆਂ ਦਾ ਚਰਚਾ ਜ਼ਮੀਰ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਵਾਨੀਆਂ ਦਲੇਰੀਆਂ ਦਾ ਚਰਚਾ ਹੈ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਨੂਰੀ ਮਲਾਇਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਔਰ ਖਿਆਲਾਤ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਅੱਲਾ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਆਪਣੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਨਮ ਸ਼ਦੀਦੁ ਲਜ਼ੀ ਯਮਲਿਕੁ ਨਫਸਹੁ ਇੰਦਲ ਗਜ਼ਬ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਏ ਤਾਕਤਵਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਏ ਬੜਾ ਦਲੇਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਏ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਯਮਲਿਕੁ ਨਫਸਹੁ ਇੰਦਲ ਗਜ਼ਬ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਏ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕੰਟਰੋਲ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਏ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਏ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਏ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਬਲਕਿ ਕੀ ਕਰਦਾ ਖੁਜ਼ਿਲਾ ਫਵਾ ਵਾ ਅਮਰ ਬਿਲ ਉਰਫੀ ਵਾ ਆਰਿਦ ਅਨਿਲ ਜਾਹਲੀ ਹੀ
बार गुजर करता है ते अच्छे तरीके नाल सैर से हो जाता है ते अलैदा हो जाता है। अल्लाह हु अकबर अल्लाह। ए मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद अलैहिस सलात व सलाम कायनात दा दर गुजर, दर गुजर मेरे हुजूर दा। पैगंबर अलैहिस सलात व सलाम ने कैसा दर गुजर करके वखाया है। अल्लाह हु अकबर अल्लाह। ओ समामा इब्ने असाल रजी अल्लाह तआला अन्हो उन्हां दा वाकिया पिछले जुमे अंदर अधूरा रह गया, राय छड़ दिता। अज अज दे मौजू दे नाल भी ओ वाकिया टच करदा है। आप अलैहिस सलात व सलाम ने दर गुजर करके मिसाल बन के वखा दिता, अपने सहाबा नू आइडियल बन के वखा दिता, नमूना बन के वखा दिता। समामा इब्ने असाल रजी अल्लाह तआला अन्हो जो मेरे आका दा कलमा पढ़ लिया मुरीद बन गया, मुरीद जान दे दुश्मन बन के आए खून दे प्यासे। अल्लाह अकबर अल्लाह। सहाबा ने गिरफ्तार किया मेरे आका दे दुश्मन नू, कलमा जदों पढ़िया ते कलमा पढ़ के आंदा है सोने नबिया मैं जो घरों निकलिया सा उम्रे दी नीयत नाल जा रहा सा, आका जी मैनू अज इजाजत दे दियो मैं बैतुल्ला दा उमरा कर आवां। मेरे आका फरमांदे ने जास मामा उमरा करना ही ते चला जा, पहले जहलीयत दे तरीके नाल उमरा कीते करदा सै, अज मैं मुहम्मद मनास के उमरा तेनू सिखला देना, मैं तेनू उमरे दा तरीका सिखला देना। मेरे आका ने उमरे दा तरीका सिखलाया है। अल्लाह अकबर अल्लाह। चला गया ना बैतुल्ला दे अंदर जाके बुलंद आवाज दे नाल, एदे दिल अंदर इस्लाम दी मुहब्बत बड़ी बैठ गई है। मेरे आका अलैहि सलाम दा दीवाना मजनून बन गया है, मेरे आका अलैहि सलाम दा परवाना बन गया है। इस्लाम दी मुहब्बत ने जोश मारिया, बैतुल्ला अंदर जाके पढ़द है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हमदा वन नियमत वल मुल्का ला शरीक लक। उच्ची उच्ची आवाज नाल सदावां बुलंद कर दितियां, जज्बा जोश ईमानी जोश दे दिल अंदर उठे है, और एदी जवानी दे सर ते जवानी दा जोश और ईमान दा जोश। बुलंद आवाज नाल तलबिया पढ़ रहे है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हमद वन नियमता वल मुल्क ला शरीक लक। ए मक्के वालियां ने गूंज सुनी, अंदरे केड़ा ऐसा बंदा आ गया है कि जेड़ा अलल ऐलान बड़ी जुर्रत का मुजाहरा कर रहा है, केड़ा कोई इतना दलेर बंदा है। मक्के वाले ने अपने अपने हथियार लै, तीर लै, तलवारा लै लिया, नेजे लै ते बैतुल्ला की तरफ दौड़ पै। लगता कोई मुहम्मद का साथी आया है। असी तरह इन अज मजा चखा देने कि किवें आके साडे शहर अंदर और साडे सामने उच्ची आवाज के नाल एक गल्ला दी तौहीद का नारा और ललका मार रहे है। ते जिस वेले दौड़े दौड़े आए नाल आके वेखे है इन्हां अंदर सियाने भी लोग ने नौजवान भी ने। आके एक बंदे ने आवाज दे दीती दूरों, ओए समामा ओए समामा ऐ केड़ा तेरे ते नेर मच गया है, क्यों अपने दीन नूं छड्ड दिताई, ऐ ते मुहम्मद दे दीन दा कलमा है, क्यों उच्ची आवाज नाल तलमिया पढ़ रहा है। ओए समामा क्या बेदीन हो गया है। ते दूसरे जिहड़े सी ना नौजवान ओ थमल गए ठहर गए कि ए समामा नूं ते सारे जानन वाले ने। अल्लाह अकबर अल्लाह। समामा कोई आम बंदा नहीं, ए मुल्के यमामा दा सरबराह ते बादशाह और उथों दा राइस ते बहुत बड़ा ताजर है, और इस यमामा मुल्क दे अंदरों गल्ला अनाज ए डायरेक्ट मक्के दे अंदर पहुंचदा है। ते मक्के दे बाजार अंदर जौ ते अनाज खजूरां गंदम कनक छोले ए पहुंचदे ने, ते मक्के वाले खरीद के खा लेंदे ने। एक नौजवान उठिया आंदा नेजा मार के मैं एदा काम खत्म करना चाहना, ते कोलों एक बाबे ने समझा दिता ओए भला भी आराम नाल खड़ा हो जा, तुहानू नहीं पता ये कौन बंदा है, बादशाह बंदा है और ये शहजादा बंदा है, एदे नाल क्यों टक्कर लैनी जे। ये कहन लगे समझान लगे ओए समामा पैड़िया ओए कमलिया क्यों कमलाओगे, क्यों अपना दीन छड़ दिता ई,
आंदे ने नहीं नहीं मैं ते अपने दीन दी गल नहीं करदा, मैं ते एक अल्लाह दी तौहीद दा ऐलान कर रहा। आंदे ने समामा इंज लगदा है कि तू भी मुहम्मद दे चाल जाल अंदर आ गया है, तू भी मुहम्मद दे चंगल अंदर फस गया है। सल्लल्लाहो बोलो बोलो मुहब्बत नाल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओदा तू भी शिकार हो गया है। हजरत समामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने हाँ हाँ एहो ही गल है, इंजे ते फिर इंजी साई चंगियां मंदियां करन लगे। हजरत समामा फरमांदे ने आराम नाल मेरे नाल तमीज नाल गल करिया जे, खबरदार कोई मेरे नाल उच्ची बोले, कोई नौजवान किसे बदतमीजी कीती। ते हजरत समामा फरमांदे ने अच्छा आया जे फिर मेरे मुल्क अंदर, आया जे गल्ला लैन वास्ते अनाज लैन वास्ते आया जे, फिर मैं तुहानू डाढ़ी तरह ही देंगा, मैं तुहानू दे गई टोरा ना। फिर समामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो एक बैतुल्ला दा तवाफ करके चले गए वापस अपने मुल्क अंदर, जाके ना ऐलान कर दिता ओए ताजरो खबरदार कोई बंदा मक्के अंदर जाके तजारत ना करे, मक्के अंदर कोई इतो साधो समान ना लैके जाए। चंद दिन गुजरे अनाज गल्ला खत्म होया, भुखा पै गई, बच्चे रोन लग पे, बुढ़े जड़े सी उन्हां दी बर्दाश्त तो भुख वध गई। ते ए सोचन लग पे असी इस मामा नूं नाराज करके घले है, ते चलो समामा कोल चलने आ वफद दी सूरत अंदर, जाके रिक्वेस्ट करने आ, जाके ओहदे नाल मिलने आ, जाके ओहनूं आने कि यार इंज ना कर, तजारती ताल्लुकात खत्म ना कर, उंज चलो तू बेदीन हो गया है वह वखरी गल है। ते कोलों ना कोई सियाना बोलिया, उस सियाने ने पता की मत दी, ठहर जो तुसी बड़े अपने आप च फन्ने खां बनदे साजे, बड़िया उहदे नाल चंगियां मंदियां करदे साजे, तुहानू पता है वह मुहम्मद का कलमा पढ़ चुके है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद का कलमा पढ़ चुके है, उहने हुण तुहाडी किसे दी कोई मननी, बोलो किसे दी कोई मननी नहीं मननी। ते इंज करो समामा ने एक जांदिया जांदिया पैगाम दिता सी, वो पैगाम की सी कि होर तुसी मेरे मुल्क विचों तुहानू गल्ला नहीं मिल सकता, गल्ला अगर तुसी लैना है ते तुसी भी जाओगे मेरे मुहम्मद दे दर ते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोलो यार क्यों नहीं बोलते मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आंदा है मेरे पीरो मुर्शिद दे डेरे जाना पैदा, मुहम्मद दे दर ते जाना पैगा, उतों इजाजतां मंजूरियां होणगियां ते फिर ही मैं तुहानू गल्ला देंगा। ये आंदे ने चलो मदीने वाल चलते रहने, ना ना मदीने वाल ना जाया जे, जी की करना चाहिए बाबा जी तुसी दसो। ते ए बाबा आंदा है तुसी जानदे हो मुहम्मद दे नाल केड़ा तुसी सलूक कीता है, केड़ियां केड़ियां अजीतां तकलीफां, वो केड़ियां तकलीफा ने जेड़िया तुसी मुहम्मद नू नहीं पहुंचाईया, हुण मुहम्मद दे तुसी कोल जाना है, केड़े मुंह लैके जाओगे, अगर उन्हें मोड़ दिता ते फिर केड़िया शर्मा दे नाल मुड़ोगे, ते फिर की करिए। आंदा इंज करो इत्थे बैठे चिट्ठी लिखो, चिट्ठी डाक दे दरिए जाएगी, अगर ओहदे दिल विच तरस आ गया उथों ही आर्डर करेगा ते गल्ला मक्के अंदर पहुंच जाएगा। साडा जाना नहीं बनता, पहले चिट्ठी लिख के वेख लीए, चलो जी अच्छा चिट्ठी लिख लेने आ। जिस वेले चिट्ठी इन्हां लिखी, इन्हां बड़े दर्द भरे अल्फाज लिखे, अपने वास्ते कुर्बता दाद के नानके मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सारिआं दा तज़किरा कीता, रहीमिया करीमिया दा तज़किरा कीता, अपने बालां दे रोन ते बिलकण दीआं सारिआं हा हा ते वाह वैला इन्हां खत दे उत्ते लिखिआ, ते खाते कासद नूं दे दित्ता है, इन्हां डाक जिए नूं खत दे दिता है, कासद डागिया पहुंचे है, चलदा चलदा मक्के अंदरों पहुंचया मदीने अंदर, पुछदा पछांदा मेरे पैगंबर दे दरे दौलत ते पहुंच जांदा है। आंदे ने पहुंचया कासद सरवर चिट्ठी पढ़ावंदे हाशमी मक्की कफारा उते रहम कमावंदे हाशमी मक्की सारे
फिर रोंदे ते कुरलांदे मक्के विच काल पै गया सारे ही कुरलांदे रोक लिए कनक मर्जी नजदी सरकार दी मेरे पैगंबर दे कोल खत पहुंचे है ते खत दे उते लिखिया की है आंदे ने ऐ मुहम्मद जेड़े शहर विचों तू गया है आखर तेरे दादकियां दा पिंड है तेरे दादकियां दा शहर है तू कोई बगाना बंदा ते नहीं या असी कोई बगाने नहीं असी भी तेरे दादकियां दे पिंड दे रहन वाले कोई तेरा चाचा ताया लगदा होएगा जिन्ना तक प्यास भुख पहुंची है ओ अन्ना बीबियां अंदर कोई तेरिया चाचियां ताइया भी लगदियां होणगियां रिश्ते अंदर आंदे ने दाद के तेरे पुखड़े देंदे दुहाइयां ने सख्त तकलीफां बालां बुढ़ियां पाइयां ने फुफियां ते भैणां तेरियां सब चाचियां ताइयां ने रोवन तमामी भुख वल वल पई मार दी जगा दे पीर अलैहि सलातु वसलाम ने चिट्ठी पढ़ाई ना कासद ने चिट्ठी पढ़ के सुनाई के चिट्ठी दे उते बड़ा दर्द भरा जुमला लिखे है दाद के तेरे पुखड़े देंदे दुहाया ने सख्त तकलीफा बालाम बुढ़िया पाया ने तेरिया सब मावा पैना फूफिया चाचिया ताया ने रोवन तमामी भुख वल वल पई मार दी जोक हबीब वाली सीने नू ठार दी ते मेरे आका अलैहिस सलातु वसलाम ने दादकियां दा हाल हवाल सुनिया ओए दादकियां नू गंड करने वालो शहर विच बच्चे आ जांदे ने दादकियां दा नां ही भुल जांदा है दादा दादी बेचारे जिन्ना अपने बेटे नू बड़े नखरियां दे नाल और बड़ियां मुशक्कतां दे नाल पालिया उन्हां नू बच्चियां दा नाम ही नहीं दस्या जांदा कदे फेरा ही नहीं मरवाया जांदा मेरे आका अलैहिस सलातु वसलाम ने अपने दादकियां नू याद रखिया भुले नहीं जदों दादकियां दा तज़किरा आया कोई भुख प्यास दा कराया ते मेरे आका अलैहिस सलाम अपने जज्बात ते कंट्रोल ना कर सके बंधन सबर दे बंधन ये सारे टूट गए आंसुआं दियां लड़ियां जारी हो गईयां ने रो रो के सुनी चिट्ठी रहबर जहान दे मक्की कफारा उते रहम कमाम दे फौरन समामा वाल चिट्ठी चल खाम दे बाद बिस्मिल्ला तरफों मदनी दयार दी ते की लिखी है बाद सलाम सुनी दोस्त मेरे आ मैं सुने अनाज मक्के जान थी केरे आ सुन के चिट्ठी साड़ी लानी नहीं दे रहा भेज दियो मक्का तरफ भेज दियो गल्ला तरफ मक्के बाजार दी मेरे आका अलैहिस सलातु वसलाम ने ए पैगाम दिता सलाम तो बाद ते बाबा शमशान मरहूम रहमतुल्लाह अलैह इंजी लगदा है कि जिवें ओ मेरे महबूब दे नाल नाल फिरदे सी ऐसा इश्क मेरे सोने नबी दे नाल ऐसी मुहब्बत मेरे आका दे नाल दीवाना बाबा शमशान दुआ करो जिथे मर्दे कलंदर लेटे है अल्लाह करोड़ा रहमतां दी बरखा बरसाए बाबे शमशान ने कमाल कर दीती ते आप अलैहिस सलातु वसलाम दे जुमले इंज परो दिते मोतियां दी तरह ओ हरम दे मुजावर समामा दा दिल नरम कर रहे ने ओ हरम दे मुजावर पास काबे दे डेरे ने रब दे गवांडी डाडे भुख अवेड़े ने समामा मैं क्यों तेनू चिट्ठी लिखी है ओ रब दे गवांडी डाडे अल्लाह लाओ हरम दे मुजावर पास काबे दे डेरे ने
ओए हरम दे मुजावर पास काबे दे डेरे ने पावे ने काफर पर ओ दाद के मेरे ने रब दे गवांडी डाडे भुख आखेरे ने बहुता नहीं गुस्सा आदत नेक अबरार दी ए चिट्ठी मेरे पैगंबर ने लिखाई है कासद लैके पहुंचया चिट्ठी मुल्के यमामा दे अंदर पहुंच गया वाह नबी दे आशिका नबी दे दीवाने आ तेरी मुहब्बत तो कुर्बान जावा ऐसी मुहब्बत मेरे नबी दे नाल चंद दिनां दे अंदर ही पै गई है मेरे आका दा कासद पहुंचया इस्लाम दा नमाइंदा इस्लाम दा डाकिया पहुंचया ना अल्लाह अल्लाह समामा नू चा चढ़ जांदे ने पहुंची जद चिट्ठी शाह खुशी विच आवंदा चुम चुम चिट्ठी नाल अखी दे लावंदा खुलक नबी दा वेख के आशक हो जावंदा तन जेरा ओए तन नबी दा जेरा रहमत गफार दी जोक हबीब वाली जगह दे पीर अलैहिस सलातु वस्सलाम ने फरमाया समामा ए बहुता गुस्सा नहीं करना चाहिदा मोमना दी ए सिफत और औसाफ नहीं अल्लाह दा कुरान मेरे नबी ने सुनाया पढ़ के लिखिया होएगा वल काज़िमीन अल गैज़ा वल आफीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह एवें नहीं रब्बुल आलमीन ने मेरे महबूब दे बारे ऐलान फरमाया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु पैगाम दिता है खुज़िल अफवा वामुर बिल उर्फि वारिज अनिल जाहिलीन ते एवें नहीं दीवानियां ने हर हर अदा मेरे आका दी अपना ली हर हर हुक्म ते इशारे ते हुक्म ते लबैक कह दिता मेरे आका ने आइडियल बन के वखाया नमूना मेरे आका ने पेश कीता है ओ यारो आओ ना मैं दसा कैसे मेरे नबी रहीमो करीम मेरे आका दा कैसा आफू दर गुजर मेरे हुजूर दा किंज मेरे आका ने दर गुजर कीता है इत्थे अपने ते अपने बेगानियां ते दर गुजर कीता है मेरे आका ने दुश्मना ते भी दर गुजर कीता है ऐसा दर गुजर फरमाया है कि कायनात वास्ते मिसाल दीती है अल्लाह अल्लाह चली मेरे आका दी बेटी मक्का शहर अंदरो ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हबार इब्ने अस्वद ने वाकया सारा तुसी सुनिया है हबार इब्ने अस्वद ने जुल्म कीता मेरे आका दी शहजादी ते सैयदजादी ते जिस वेले जुल्म होया नाल इन्हें जालम ने नेजा मारिया जा तीर मारे है इंज करके सवारी तो सैयदा ज़ैनब नीचे गिरिया रहीमो करीम रहमत आलमीन नबी दी बेटी इज्जत दी हयादार पाक दामना इज्जत दी पैकर मेरे नबी दी बेटी इंज करके पत्थर दे ऊपर गिरी ना इस पेट वाले जख्म दे नाल नाल ए जेड़ी चोट पत्थर दी लगी है ना हामला ते हमल जाया हो गया खून दे नाल लत पत मेरे आका दी बेटी शहजादी ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मदीना मुनव्वरा दे अंदर पहुंचिया मेरे पैगंबर ने वेख्या कि मैं ते अपने दुश्मनां दीयां बेटियां दे नाल इन्ना अच्छा सलूक कीता है मैं उन्हां नूं भुखियां नूं खाना खिलाया है सिरों नंगियां नूं दुपट्टे दिते मालो जर दे के अपनियां सवारियां दे के उन्हां दे घरां तक रवाना मैं मुहम्मद ने कीता है अज मेरी बेटी दे नाल केड़ा सलूक कीता गया अबू जान मैनू हबार इब्ने अस्वद ने जुलम करके मेरे ते वार कीता है आका इस्लाम ने आर्डिनेंस जारी कर दिता है हुक्म जारी कर दिता है ओए मेरे परवाने ओ जाओ ना जाओ हबार इब्ने अस्वद जिथे भी तुहानू मिल जाए ओनू कतल कर देना है हत्ता के बैतुल्ला दे गुलाफ दे अंदर भी छुपया होए ना हुरमते बैतुल्ला दी वजह तो
बैतुल्ला अंदर आने वाले जानवर नु भी नहीं पजाया जांदा। मेरे आका फरमांदे ने ए हबार इब्ने असवद ने मेरी बेटी ते जुल्म करके मैं मुहम्मद नु रवाया है जिथे मिल जाए नु कतल कर देना है। एक रवायत के मुताबिक इनु अग ला के साड़ दे आजे। जगां दे पीर अलैहि सलातु वसलाम इंज दर्द भरे अंदाज नाल हुक्म दे रहे ने सहाबा इंदे पीछे लगे काबू ना आया। एक वक्त ओ भी आया मेरे आका ने मक्कातुल मुकरमा नु फतह कर लिया। मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातु वसलाम ने बैतुल्ला नु फतह कीता। ए हबार इब्ने असवद इस तो पहले मक्के नस जांदा है किते शाम इराक दिया सरहदां अंदर पहाड़ां अंदर जाके छुप गया। बाद अंदर पता चलिया मक्के वाले मुहम्मद मुस्तफा ने मुआफ कर दिता है। आप अलैहि सलातु वसलाम ने ऐलान मुआफिया दा मक्के दे अंदर आम कर दिता है। ओए मक्के वाले मैं जानना अज मक्का दे अंदर जिन्ना मेरे बिलाल नू ते तत्तियां रेता ते कसीटिया, जिन्ना मेरी सुमैया ते जुनैरा ते जुलम कीते, जिन्ना आले यासर नू सताया, मैं जानना तुसी ओही मक्के वाले जे जिन्ने अजीता दे दे के मुहम्मद नू अल्लाह दा घर बैतुल्लाह दा गुआंड ए छड़ना ए दे ते मजबूर कर दिता। अज जाओ मैं तुहानू माफ कर छड़िया है। ला तसरीब अलैकुम अलयौम, मैं तुहानू माफ कर छड़िया है। मेरे आका दियां माफियां दियां धुम्मां दूर दूर तक पहुंच गईयां ने। हबार इब्ने असवद नू भी पता चलिया ए भी चलदा चलदा मेरे पैगंबर दे दरे दौलत ते दरबारे रिसालत अंदर पहुंच जांदा है। सहाबा दे ने सुनिया ओ हबार इब्ने असवद आया जे, ओ जालम साडी भैन जैनब दा कातल और जैनम दे उते वार करन वाला आया जे। मेरे आका फरमांदे ने मैनू आ रहा, मैं देख रहा आंदे नू आ रहा। सहाबा उठे ने इनू जालम तरिंदे नू असी अज कतल कर देईए, पर रहीम करीम नबी दिल अंदर रहमता ने जोश मारे है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आंदे ने नहीं नहीं अज चल के आप साडे कोल आ गए है। इत्थे चल के आया दे कतल माफ नहीं हुंदे, नहीं नहीं कोई गाल कढ़ लै ते चल के आ जाए ना ते बाबा दा ना 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 पुत्र ए ते मरनो मर जाने पर तेनू माफ नहीं करना। मेरे रब ने फरमाया खुजिल अफवा वामुर बिल उर्फी वारिज अनिल जाहिलीन। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दा दर गुजर वेखो ना, दुश्मन बेटी नू हलाक करन वाला और ऐसे जख्म दी वजह तो ऐसे चोट दी वजह तो कुछ अरसा बाद ए सैयदा ज़ैनब अल्लाह नू प्यारियां हो गई। आका अलैहिस्सलाम नू आके आंदा अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनिया मैं आया ते मैं मुरीद बन के आया, मैं कलमा पढ़न वास्ते आया। सोनिया कलमा पढ़ाओ ते मैनू दसो मेरे वास्ते की आर्डर है, मैं तुहाडी बेटी ते जुलम कीता। आका फरमांदे ने इन्नल इस्लाम यहदे मुमा का ना कबला हो। ओ सोनिया तू ऐसा काम अज कर लिया इस्लाम कबूल कीता ते अल्लाह ने तेनू मुआफ कर दिता है। आसमान तो मुआफिया दा ऐलान हो गया है ते मैं मुहम्मद ने भी तेनू मुआफ कर दिता है। खुजिल अफवा वामुर बिल उर्फी वारिद अनिल जाहिलीन। सोनिया इन्ना जहलां तो दर गुजर कर, इन्ना तो इराज कर, इन्ना तो अलहदा हो जा। पागल दे नाल पागल नहीं बनना, जाहिल दे नाल जाहिल नहीं बनना। गाली दा जवाब गाली नाल नहीं देना, इट दा जवाब पत्थर नाल नहीं देना, बल्कि सोनिया फबिमा रहमतिन मिन अल्लाह लिंत लहुम, मैं तेनू अपने रहमत नाल फजलो करम नाल तेनू रहीम बनाया। एदे अंदर सबक की है, बंदा दर गुजर करदा है एदा अजर की है। मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका फरमांदे ने यारो ए मस्जिद अंदर एक बंदा दाखिल होने वाला है, वो जंती है, वो बंदा फटे पुराने कपड़िया वाला गरीबड़ा जिहा बंदा आया, आके बैठ गया, चले गए सहाबा। दूसरे दिन फिर वही बात, फिर वही बंदा आया। तीसरे दिन फिर वही हुक्म, मेरे आका ने फरमाया वही बंदा
बंदा आया ये कसिया भी ये रसूल ना ये उठ के घर चला गया ते ये दे पीछे पीछे गया कि भाई जान मैं आज तुहाडा मेहमान बनना चाहना हाँ हाँ जी बिस्मिल्ला सत बिस्मिल्ला जी आया नू मेहमान बना लिया तीन दिन घर अंदर रह दिल विच तमा ए सी मैं देखांगा ये अमल की कर दे पर इन्हें ओही मामूल के मुताबिक नमाज हज नमाज और तहज्जुद की नमाज फर्ज नमाज तीसरे दिन बंदा सलाम कर दिया कि अच्छा भाजी मैं चलना वो कहन लगे भी यार तू आया है तू कोई गलबात नहीं दसी तू कोई सवाल नहीं पूछा आन का कोई मकसद नहीं दसिया आंदा जी मैं ए सोने नबी की जबानों तुहाडे बारे जन्नत की बिशारत सुनी तो मेरे दिल अंदर तमा पैदा होया लालच पैदा होया कि मैं वेखा यह अमल के कर दियाबी इंज करके रो पिया अपनी खुशी दे नाल रोया आंदा सोने नबी की जबानों मेरे गुनागार वास्ते जन्नत की बिशारत हो गई ऐलान हो गया हाँ हाँ आंदा फिर हुण जा ना मैं भी तेनू दस देना कि मैं अमल की करना वो साढ़े जैसे सहाबा नहीं सन इत्थे किसे नू कोई माड़ा चंगा आंदा होवे ना कोई नुस्खा वह कीम वो कफल में दबा के सारी हिकमत लै जांदा मर जाना पर किसी नुस्खा नहीं देना मेरे उस्ताद ने दसिया ही दम किसी दसना नहीं भी कि फूक मारनी है ऐसे सहाबा नहीं सन आंदे ने सोनिया मैं जो रात को लेट ना ना मैं सौन लगे बिस्तर से बह गए तो मैं आना अल्लाह अज जिन्हें जिन्हें भी मेरे ते जुलम ज्यादती की है ना अल्लाह मैं उन्होंने मुआफ किया तो तू मैनू मुआफ कर दे अज तैयार कर लो कि अज रात बिस्तर से सोने ते सीधा लेट के अपने गुनाह की माफी मांग के सोना है ते इंज आखना है माफिया दे कलम अज फिर अल्लाह सोने एक गल पसंद तेनू ढेर अल्लाह सोने तेरिया अतावा अगे मेरिया खतावा की तेरिया अतावा अगे मेरिया खतावा की तना मना दे मुकाबले नहीं शेर अल्लाह सोनिया माफिया दे कलम अज फिर अल्लाह सोनिया गिन गिन दसा अल्लाह केड़िया खतावा मैं गिन गिन दसा अल्लाह केड़िया खतावा मैं मच गया मेथों ते हनेर अल्लाह सोनिया माफिया दे कलम अज फिर अल्लाह सोनिया चंगा हाँ या मंदा आखर तेरा बंदा हा आंदे आंदे होई मैथों देर अल्लाह सोने माफिया दे कलम अज फिर अल्लाह सोने फुसिल अफवा वामुर बिल उर्फी वारिज अनिल जाहली आखिर दवाना अलहम्दुलिल्लाह।